मुझे बहुत शौक था तस्वीरें बनवाने का। जब मम्मी नए कपड़े लेके देती थी ना या भाई नए लेके देते थे ना, तो मैंने कपड़े पहनने और तस्वीर बनवा लेनी। मुझे बहुत दुख होता है, बस यही देखती हूँ कि पहले मैं कैसी थी कि अब मैं कैसी हूँ, कि मुझे हर बंदे से चेहरा अपना छुपाना पड़ता है। पहले जैसा तो नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह के काम तो अल्लाह के हैं, अल्लाह जैसा तो बंदा नहीं बना सकता, लेकिन बंदों की भी एक कोशिश है, तो इंशाल्लाह जो होगा बेहतर ही होगा। ये जो जलाया मेरे हस्बैंड ने जलाया, ठीक है, तो मैं सो रही थी तो मम्मी के घर में आया इस तरह, तो उसने मुझे जला दिया। खुद ही वो इंसान ऐसा था कि वो नहीं रखना चाहता मुझे। मैं उस वक्त 13 साल की थी जब मेरे साथ अटैक हुआ है। उससे पहले जो मेरे स्कूल टीचर और उसके फ्रेंड ने मेरा रास्ता रोका है, तो मैंने साथ जाने से इनकार किया, तो इस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब गिरा दिया। मैं एक रात सो रही थी, उसने तेजाब फेंका, मेरे चेहरे पर नहीं था लेकिन मेरे कंधे पर था। फिर उसने जब 1 साल बाद फेंका, वो मेरे चेहरे पे गया था, वो रिश्ते की वजह से फेंका था ना। हम तो मासूम बच्चे थे, इसने हमारा चेहरा क्यों खराब किया था, हमारे क्या कसूर था। Assalamualaikum. How are you? Fine. Now tell me, what do I need to do? I need to change, or I can just go to? Go with only you wear a shoe cover. That's fine. I can. Take it. My name is Mohammed Jawad. I'm originally from Pakistan. I was born and raised in Karachi. I'm a consultant plastic surgeon, and I do wonderful body contouring and lipo shaping, tummy tuck, etc. I do a lot of facial work. And I tell you, I'm a damn good breast surgeon there. I make them big and make them small. Although I love to do the breast work, what I'm really known for is my burns work. So when I heard about the acid violence in my homeland, I said, bingo, I must do something. And when I said there's so many of them, I had to go back. Okay. Assalamu alaikum. Zakiya, aapka naam hai? Zakiya, mera naam Jawad hai. Aur aapke jo doctor hain Tariq sahab, unhone mujhe kaha ki aapko zara main dekh lu. Acha? Ab ye mujhe batao, kaisi ho? Okay. Ab aapki kitni umar hai? Meri 39 hone wali. 39? Ji. Kya hua tha? ये सर तेजाब गिराया था। किसने? चोर। ओके। चोर। राइट। मैं तो देख सकता हूँ। इस और भी तो जिसमें में ऐसा है, यही है सिर्फ। अबू सर, यू वांट टू कम हियर। तो यहाँ पे बेसिकली उनके आपने पट्टी देखी, उन्होंने स्क्रीन यहाँ पे स्किन ग्राफ्ट लगाया होगा। सर ये गन पीप वगैरह खून के निकलते रहे। तो लेकिन ऑपरेशन कोई नहीं हुआ? ऑपरेशन कोई नहीं। सो इट वाज नेवर ऑपरेटेड, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अस्सलाम
मेरी शादी पहले दिन से ही खराब थी। इसको नशे की आदत थी, ये चर्स पीता था, शराब पीता था और पैसे भी ये लेता था, और जब तक मैं देती रही ये ठीक रहा मेरे साथ। और जब मेरे पास ख़त्म हो गए इसने गालियाँ देनी शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया। जब मैंने देखा कि हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं कोर्ट चली गई। तो तीसरी पेशी में जब मैं निकली तो कहते हैं कि तुम इसे तलाक चाहती हो, मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगा, मैं तुम्हें दुनिया के लिए इबरत बना दूंगा। ये कह के उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया, उन्होंने मुझे तेजाब दे दिया। जबरी इसने डाला भी एक नंबर था, बैटरी वाला, जो बैटरी में नहीं डालते एक नंबर, वो डाला था बगैर पानी के। तो उसने एक सेकेंड नहीं लगाया, एक सेकेंड में मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक सेकेंड। उसका ये ख्याल था कि मैं तेजाब गिरा के भाग जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जी पकड़ा गया था ना, गिरा के भाग गया तो पकड़ा गया था, सजा तो होगी, लेकिन अभी फिलहाल तो केस चल रहा है ना। आप शादीशुदा हो? जी। बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं। आपकी बीवी का नाम? वो मैं जरूरी नहीं समझता आपको बताना। तो आपने उसको तलाक दे दी थी? जी नहीं दी। क्यों नहीं दी? वो मेरी शरीके है, याद है मैंने उससे शादी किया, मेरी इज्जत है, वो कैसे दे देता तलाक इतनी जल्दी। आपको छोड़ के चली गई क्या? मतलब हुआ क्या? बस जो हो गया सो हो गया। ये मेरी यार मुमकिन कोशिश नहीं थी कि ये मैंने काम मैंने किया है, नहीं किया है। मुझे एक साजिश की तरह फंसाया जा रहा है मुझे। और आदमी ने उसका चेहरा जलाया? जी हाँ। तो उसका नाम लेना, उसको हम ढूंढ लेंगे। मुझे नाम तो नहीं पता ना। आप थे ना वहाँ पर? मैं था वहाँ पर, तो मौजूद तो जरूर था, लेकिन मैं जानता तो नहीं हूँ ना उसको। उस कंटेक्ट को एक गैरतमंद मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, यही कुछ होना था और क्या। हर मैदान में पेश पेश हैं, बड़े बड़े अच्छे काम कर रही हैं औरतें। किस किस्म के अच्छे काम? ऐ जो दुनिया का नाक काटने वाले। Okay, next, please. Ruxana? Mm-hmm. Oh, bitte. It comes to you. How much did you get? 25. What happened to you? Tizab. Who did Tizab? Yes, Tizab. Nandu put petrol. Your husband put Tizab on you? Nandu put petrol. फिर मेरी सास ने तेल लगाई, माचिस के साथ आग लगा दी। तो तुम कहाँ रहती हो? मुझे वो ले गए हैं अपने घर। तुम अभी उसी घर में रहती हो? हाँ। फिर मेरे बच्चे बीमार बहुत हो गए, बहुत बीमार हो गए। मैं फिर खर्चा उनको नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, मेरे पाप गरीब है, इसलिए मैंने सुलह कर लिया। Okay. It makes me very angry. And most of them are as young as 12, 13, 14, and they're women, men. I'm surrounded by women at home, and it bothers me a lot. It bothers me a lot. I cannot understand this. I'm trying not to be angry. I don't want to hear these stories anymore. There's an end to this story.
ये वो कमरा है जिस घर में जलाया था। मेरी जिंदगी ख़त्म हो गई इस कमरे में। ये कुंडी बंद करके, ये ऐसे, ये दरवाज़ा बंद करके मेरा दम घुट रहा था। मैं तड़प रही थी, मेरे ऊपर तेजाब डाला है, जलाया है। मुझे बहुत डर लगता है, खौफ होता है। वही दिन याद आते हैं जब मैं जली थी, वही खौफ होता है मुझे। शौहर का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था। वो मुझ पर तशद्दुद करता था, मुझको मारता रहता था। तुम्हारी कभी बीवी के साथ लड़ाई नहीं हुई? कभी भी नहीं इन 8-9-10 सालों में। मैंने तो सुना है तुमने अपनी बीवी पर तेजाब फेंका है। नहीं, तेजाब किसी ने नहीं फेंका। उसके ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है, वो ये नहीं देखती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब उसने अपने ऊपर तेल छिड़का तो उस वक्त दीवे की जो वट है ना वो जल रही थी। उसने अपने हाथ में ढक्कन उठा रखा था दीवे का, वो जैसे ही उसने छिड़का, ये तो मिट्टी का तेल हो या पेट्रोल हो, इसको तो ऐसे आग पकड़ते हैं, उस तो आग के लिपट में आ गई। तो एक शादीशुदा औरत जिसके दो बच्चे हैं, उसने ऐसे ही अपने ऊपर एसिड फेंक दिया? जी, आग लगाते थे। ये बर्न यूनिट में आप जाके देखे ना, 100 से 1% शायद कोई कुदरत जली हो, वरना सभी औरतें खुद पे तेल डाल के गैस से खुद जल के आई होती है। ये तुम्हारे हाथ पे निशान क्या है? ये तो उसी वक्त जब आग बुझा रहा था उसी वक्त चले। ये जो छुपी हुई है ये बदमाश है, सब पता है। ये सब नए घोड़े हैं। ये जो लोग नए हैं इस चीज में, मैं चाहती हूँ कि पुराने लोग उनको बताएं कि किस तरह आप लोग चले आगे। पहले आप लोग भी परेशान थे। यही बात कर रही थी। अभी हिम्मत नहीं है शायद बाद में आ जाए। इनसे मिल के मुझे बड़ा हौसला मिला। तो अभी इतना हौसला मुझ में नहीं आया कि मैं बगैर नकाब के किसी को फेस कर सकूं ना। अब इस हालत में ना मैं शादी में जा सकती हूँ, ना किसी की डेथ पे जा सकती हूँ, ना किसी की बीमारी पे जा सकती हूँ। हत्ता कि मैं खुद नहीं चाहती कि मुझे कोई देखने आए। मैडम, अभी तक तो केस चल रहा है, तो कल भी हमारी तारीख है। मुझे एक लॉयर मिली है। मेरी वकील जब औरतों के केस लेती हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह करती हैं अपना काम, और मेरा केस वो मुफ्त लड़ रही। मुझे नहीं पता इनके बगैर मैं केस कैसे लड़ती। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? क्या क्या हाल है? क्या ठीक हो? खैरियत से हो? बैठो बैठो। कल आपकी तारीख है कोर्ट में ते ऑलमोस्ट तमाम पॉइंट्स पे उसने कहा कि नहीं, ये इनकरेक्ट है, ये गलत है, मैं इनोसेंट हूँ। मैं वहाँ खड़ा था लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने नहीं फेंका इस पे इस तरह के मतलब स्कैन। अच्छा, तूने नहीं फेंका, किसने फेंका? उसकी डिफेंस को हमने जो है शटर करना है। हमने ये साबित करना है कि हमारे गवाह जो थे शेकी नहीं थे, इंटैक्ट थे, और कुरान की कुछ आयात हैं और उसके हवाले से डिसफिगरमेंट के हवाले से हमारी आयात है, वो मैं दूंगी कोर्ट में पेश करूँगी। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट वी कैन नॉट से इट बिफोर टाइम। तो जब वर्डिक्ट आएगा तो फिर उसी के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। सखिया बहुत बहादुर खातून है, लेकिन बहुत सी खवातीन जो हैं वो अदालतों तक अपने इंसाफ के लिए नहीं आती हैं। जो प्रेजेंट लॉज हैं उसमें मुलज़िम के बरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सज़ाएँ ज़रा कम हैं। इट वुड बी ग्रेट के ज़किया के केस में एक प्रेसिडेंस सेट हो जाए। दिस टाइप ऑफ पर्सन शुड बी पनिश्ड, दे शुड बी रिमेन इन द प्रिजन लाइक एनिमल्स आर कन्फाइंड इन अ केजेस।
people who are working for this movement. We are there to support them in whatever way. The preamble of the legislation simply states that this legislation is going to be a special law which is going to specifically criminalize ACID-related violence by providing tougher and stricter penalties. मैं कह रहा हूँ डेथ सेंटेंस जिनके ऊपर गुजरी है उनसे कोई नहीं पूछ रहा है, उनको लाके यहाँ खड़ा कर दो, वो क्या चाहती है? डेथ पेनल्टी की जिन जिन ने तजावीज दी हैं, वो अब लागू नहीं हो सकती। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं, वो डेथ पेनल्टी के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं पिछले 30-35 बरस से। आई डोंट थिंक इससे कोई इम्पैक्ट होगा। इमीडिएटली चौराहे में खड़ा करके अगर उसको जलाया है तो जलाया जाए, अगर उसने तेजाब फेंका है तो उस पर तेजाब फेंक दिया जाए। जब है इस्लाम में ये मौजूद है तो फिर क्यों उस पर अमल नहीं होता? बहुत खुशी हुई है ये जो अंदर अब कर रहे हैं बात के, ये इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगी ज़रूर हो जाएगा, बाकी मेरी बहनें भी दुआ करेंगे। उन सब खामदों को जो अपनी वीडियो पर जरूर करते हैं थैंक यू की जिंदगी बर्बाद करते हैं, खामदों को जो दूसरे हैं वो और दूसरों को भी। अब यहाँ पर तो हम हंसते रहते हैं, आप लोग इतना प्यार देते हैं, लेकिन अब हमारे दिल में जाके देखिए हम क्या चाहते हैं हमारी जो पर मैं परेशान हो रही हूँ, पता नहीं इतने लोगों में कर सकूँगी भी नहीं कर सकूँगी पढ़ सकूँगी कोशिश तो करो, कोई ऐसी बात नहीं आप करना है पढ़ना चाहती हूँ जी। ना ही अपने ना पराए इन्हें पहचानते हैं, कैसे टूटी हैं गरीबों पे बिजलियाँ देखो, कोई तो रोक ले इन जुल्म ढाने वालों को, कोई इंसान का मर मर के ये जीना देखो। ए इब्ने आदम, ए हम वतन, ए हुक्मरान, तुमसे इंसाफ तलब हैं ये बेटियां देखो। आपके साथ ये वाकया कब हुआ? ये 2 साल हो गए, तो उसी दिन गिरफ्तार हो गए थे मेरे ससुराल मतलब पैसे वाले लोग, उन लोगों ने पैसा लेके ना बरी हो गए थे। अभी कहाँ है? अभी वो छूट गए हैं। और आप? वाले को आखे ने तू कहीं कुंडा सी ना पई, जो आखे ने एक भा लग गई है हिंदे उते देखा दीवान ढाठे। मेरी शक्ल खराब हो गई है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, और किसी को कोई सजा नहीं हुई, कहाँ है इंसाफ? अब आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप कोई ऐसा करें कि हम जो ऐसे मकसद औरतें होती हैं ना, सबके मसले हल करें, कुछ ना कुछ हमारे लिए करें। आप बस ऐसा कानून निकालें जो जिसके ऊपर जैसे जुल्म करे, मतलब हमारे ऊपर तेजाब डाला था उसके ऊपर भी वैसे होना चाहिए। ये बात हमने बहुत सोची, लेकिन कानून साजी में इस तरह की चीज नहीं हो सकती है, तो इसलिए हमने ये उसमें फैसला किया है कि उसकी कैद होनी चाहिए जिंदगी भर के लिए, और कोशिश में है कि जल्द अज जल्द ये कानून जो है असेंबली से पास हो। मेरी शक्ल सुगड़ती जा रही है, सुगड़ती क्या जा रही है बल्कि बिगड़ती जा रही है, पीना भी और खाना भी बेहद मुश्किल है, ये दर्द मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। There's a whole half, it's a pretty part, and this whole this has got no face. So the job is to actually try and create a symmetry. The scar tissue which is formed will continue to pull. It just, this is how it's happened. She needs surgery. Because there's no other way you can correct it. Okay, the first job is to release this tissue and get this lip sitting more normal. And then replace this skin. I'm also hoping to find out if her eye can be salvaged, or at least the socket for a glass eye. But the time is very short right now, so we'll have to do something.
बस मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला का लाख दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि पहले सबसे मेरे होंठ ठीक हो जाए, फिर उसके बाद नाक हो जाए, फिर चेहरा हो जाए, तो फिर मेरी आँख भी लग सके। अल्लाह ताला ने मुझे नए सिरे से फिर दूसरी जिंदगी बख्शी। I will have to make sure that you know she understand the limitations of surgery as well and the expectations, because I think the most important thing what I have found that is managing the expectations. Okay, lights, please. Lights. Action. Yeah, give me that small metadone. This is the magic stuff. These products. Ek aur mil chahiye. This is not big enough. I'm pleased to say we're probably doing the first case in Pakistan. Hallelujah. I'm having a party actually, and if you can restore somebody's life, I don't think I need to be bloody religious to go where I need to go eventually. Okay, give me local again now, please. Get me clean swabs here. Concentrate. It just, it's illogical for it to survive at this stage. I can't see anything. So the whole ball is shrunken. So Dr. Uncle Surya will agree. There's no eye to save here. And in fact, the orbit is so badly damaged, it won't be able to support a glass eye. It's too late, you know. Okay, guys, that's unfortunate. Let's close her up. Looking good, baby. That's looking good. It's a great shot, man. Day five, this woman is giving me a smile. Monday, Tuesday, tak inshallah, hum aapko wapas bhijwa denge. Next stage pe. Next stage pe. Ye jab ye stable ho jayega na, iske liye phir hame kuch thode clever cheeze karni padengi. Okay? One thing at a time. अब अगले कुछ महीनों में मुलाकात होगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। बेटी को ये घर वाले नहीं मिलने देते। मेरी बेटी दीवार के उस तरफ है, उन्होंने दीवार लगा दिया ताकि मैं देख ही ना सकूं। दीवार लगाई पड़ी ताकि मैं उनको देख ना सकूं। मिलने देते नहीं है, मिल भी ना सकूं ना देख सकूं। इस बच्चों की वजह से मैं उधर रह रही हूँ। बच्चे भी मेरे पास ना हो, मुझसे छीन ले, फिर मैं क्या करूंगी? अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो ऐसे जिंदा रहने से तो मर जाना बेहतर है। और ये देखो, ये दिल की धड़कन देखो, तुम्हें दिखाई दे रहा है?
तुम्हारे पेट में बच्चा है और ये 8 हफ्ते का है तकरीबन। तो आप ने कोई बच्चे बंदी के मंसूबा बंदी के तरीके नहीं अपनाए थे? पहले वक्फे के टीके लगवाए थे बस, अब फिर दर्द होता था बहुत ज़्यादा, फिर इसलिए मैंने कहा क्या पता अल्लाह ताला मुझे खुशी दे, अगला बच्चा कोई खुशी लेके आए। नहीं, आपको परेशानी नहीं हो रही? आपको इतना अंदाज़ा नहीं है क्या कि ये इस बच्चे के साथ भी वो कुछ हो सकता है जो आपके साथ हुआ है? Because she's pregnant at the moment, surgery is out of question. If she wants the surgery, when she finishes her pregnancy, I promise to look after her whenever she's ready. मेरी जो सर्जरी होने वाली थी, मैं अब उदास हूँ, अब वो नहीं होगी मेरी सर्जरी। अगर बच्चा हो जाएगा, मेरी खुशियाँ दोबारा से फिर से लौट आएंगी। मेरे दिल में है कि बेटा हो, क्योंकि बेटियों के आगे जो शादी हो जाती है उनके नसीब का पता नहीं होता, उनके साथ जो जुल्म मेरे साथ हुआ है वो मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ हो। बेटे हों चल, बेटे का इतना दुख नहीं होता, बेटियों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला मुझे बेटा दे। कचहरी में उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, क्योंकि मैं वर्कआउट पे जाती हूँ, कचहरी में इस तरह नहीं जाती, ऐनक लगा के जाती हूँ। तो उसने मेरी ऐनक ज़रूर देखी है, बुरका देखा है, मेरा चेहरा नहीं देखा। कितनी दफ़ा हुआ मैडम कचहरी जाते हुए, ज़रा भी वो शर्मिंदा नहीं है। ऐसे दीदे फाड़ फाड़ के देते जैसे खाने लगा। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, अगर ना मिला तो मैं ऊपर तक जाऊँगी, उसको छोड़ना नहीं है मैंने, उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फैसला जो है जज ने करना होता है। इसमें बहुत थिंग्स है जी, उसको अगर कोई ऐसी कमी हुई तो उसको सज़ा नहीं भी हो सकती, बरी भी हो सकता है जी। वो ज़किया को भी थ्रेट्स एक्सटेंड करता रहा है, तो मुझे खदशा है कि अगर वो छूट गया तो ज़किया को मज़ीद कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं तो सोच रही थी कि आज मेरी किस्मत का फैसला हो जाएगा, तो उनका वकील नहीं आया था, जिसकी वजह से डेट पड़ गई है। हर दफ़ा ही हमारे साथ इस तरह करते हैं ये लोग, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन अब देखें कब की डेट मिलती है, चलें अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा। और पाकिस्तान के हर कोने कोई ना कोई एसिड विक्टिम जरूर होता है। ये दहशत गर्दी है और आज तक ये एसिड विक्टिम्स के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने, और कल्प्रिट्स छुट जाते हैं। और इंशाल्लाह ताला आज एक नया पाकिस्तान की शुरुआत हो रही है एसिड क्राइम लेजिस्लेशन के तहत। ये एक बड़ा भयानक किस्म का जुर्म है जिसके बारे में अभी तक हमारे पीनल कोड्स में उस किस्म की सज़ा नहीं दी जाती थी जितनी की दी जानी चाहिए, सो दैट इट एक्ट्स एज अ डिटरेंट। अगर कोई एसिड क्राइम के हवाले से एक ऐसा कानून बनाया जा सके जिससे वो औरत की जान बच पाए। आज मैं पाकिस्तान की सारी ख्वातीन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज एक अहम मरहला तय हुआ है। अभी जो है जद्दोजहद हमारी जारी है, मुकम्मल तौर पे पूरी नहीं हुई है। शुक्रिया।
जब से केस चला है, स्टार्ट हुआ है ना, ये इसी तरह कर रहे हैं। कहता है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मुझे बाहर निकलने तो मैं पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह करेगा तुझे इधर ही मौत आएगी, तूने इधर ही मरना है, तूने बाहर नहीं आना। आज आपने नमाज नहीं पढ़ी ना? नहीं। बहुत अच्छा गई है। क्यों नहीं पढ़ी? बस वैसे। दिल नहीं जा रहा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है? सुबह स्कूल जाना है? जाऊंगी इंशाल्लाह। दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा? वो किस लिए? मुझे इस बात की टेंशन है ना, इतनी आपको मुश्किल होती है, देखा नहीं जाता। बस फिर जब हम मुकम्मल हो जाए ना, तो वो दिन हमारे लिए बहुत अजीम दिन होगा। अच्छा जी, फिर आप दुआ किया करो ना कि अल्लाह करे सब काम जल्दी जल्दी हो जाए। पहले रेफा सुना दो। रेफा सुनाओ। बिल्ली वाला सुना दो कि उसको बांध के सफेद कर दो गाल लिए। वो नहीं आता, मुझे भूल गए। अच्छा चलो, उसका जो याद हो सुना। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? क्या हाल है? ठीक हो? ठीक करिए से हो बेटा। वालेकुम सलाम। बैठो जी। शुक्र है। कि आपका फैसला आ गया जी, और मैं उसकी डिटेल आपको बताऊं? जी बिल्कुल, बड़ी बेचैनी से इंतजार में। बहुत डिटेल में फैसला है जी मैडम। एक एक चीज को डिस्कस किया गया है जी, और उसमें इसका मोटिव भी बताया गया है जी। मैडम बताएं क्या फैसला आया जी। फिर आ जाता है इसमें 7C का 7 जो सेक्शन है जी, इसको दो मर्तबा उम्र कैद, एक मर्तबा नहीं दो मर्तबा उम्र कैद। जो नया कानून आया उसके तहत से सजा दे, उसके पास करने के बाद आप पहला केस है जी? बिल्कुल पहला। कैसा लग रहा है? बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि मजाक समझा हुआ है कि कुछ भी नहीं हो सकता, है ना? बिल्कुल। बड़ी हिम्मत है तुम्हें, रियली प्राउड ऑफ यू, वेल डन। ये लास्ट ईयर जी सर, याद है ये लड़की? बहुत अच्छी है। ओके, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि तुम्हारा ये फेस बड़ा मजे से सेटल हुआ होगा। आई एम रियली रियली प्लीज, रियली प्लीज। देखिए, जब हम आपके ऊपर आखिरी दफ़ा ऑपरेट कर रहे थे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि आप कितनी ज़्यादा आपकी आँख डैमेज है, इतनी डैमेज है कि उसमें मसनू आँख भी नहीं लग सकती। ये सो मच आई कैन डू फॉर यू। ओके, हमारी भी थोड़ी लिमिटेशन है। हमारी लिमिटेशन ये हैं कि वी कॉन्ट बी गॉड। जो लॉस हुआ है आपका, उसको रिक्रिएट करना, आपकी आई और आई ब्रोज और आई लैशेज एंड द आई लिड्स, मेरे पास एक टॉप बंदा है इस काम को दुबई से, जो कि तुम्हारे लिए एक एक्सटर्नल प्रोसेस बनाएगा, लेकिन वो एक ऐसा है कि बाहर से तुम्हें लगाना पड़ेगा, जैसे प्रोसेसिस होता है। ओके, सो ये मेरा प्लान है। ज़बरदस्त। पक्का? बिल्कुल। क्या बाय। Zakia? Yes, sir. Are you ready? Ready for new Zakia? Inshallah, it's going to be very good.
थोड़ा दुपट्टा पीछे कर लें, शाबाश, वेरी गुड। You tying it? माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। देखो अब अपनी माँ से मिलो। ठीक है। कैसी लग रही है आँख? बहुत प्यारी, बहुत प्यारी है ना? माँ मिल गई थी ये पुरानी है जो थोड़ी खो गई थी कुछ दिनों पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो बेटा मुबारक हो। खैर मुबारक। माशाल्लाह। चल, क्या नाम रखा है? मोहम्मद। और मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख कर आपकी तरह बने डॉक्टर, अपने अब्बू की तरह ना बने। अपने अब्बू की तरह ना बने। अच्छा, वेल इंशाल्लाह, लेट्स सी कि जो मैंने उनसे वादा किया वो तो मैंने पूरा करना है, ठीक है ना? बट हम ये सोच रहे हैं कि आप कुछ 6 महीने जो है ना थोड़ा इंतज़ार करें, ठीक है? फिर जो सर्जरी हमने करनी है आपके लिए फिर हम आके करेंगे। It's a hell of a journey, but I think it's a good journey. It's a meaningful journey. You know what? In a way, I'm saving my own face because I'm part of the society which has this disease. And I'm doing my bit, but there is only so much I can do. Come join the party. Ready, smile. बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा, जब से तेजाब फेंका गया उसके बाद आज मैं इस तरह दुपट्टे में बाहर आई हूँ, तो हमेशा नकाब ओढ़ के, बुरका ओढ़ के, ऐनक पहन के बाहर आती थी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत चेंजिंग आई है जलने के बाद, बहुत चेंजिंग आई है। और इंशाल्लाह जो थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया है वो भी ठीक हो जाएगा और मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करने लगी। आगे आने वाला कल बहुत अच्छा गुजरेगा।